अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज फिर आ गए हम दोनों भाई नई वीडियो के साथ। आज भाई आ गया है, भाई की तबीयत बिल्कुल सेट है। अब दवाई ववाई खाई थी ना, बेहतर हो गया है, तो अभी भाई उठ कर आया ना। आपने देखा नहीं होगा मेरे को दो तीन दिन से ना। ओह माय गॉड, दो दिन से भाई व्लॉग में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता था, मैंने बताया था कि दवाई लेने गया था, तबीयत सेट नहीं थी, इसलिए नहीं आ रहा था। तो आज जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल सही है, और हम लोग सेटअप पे आ चुके हैं, सब के सब खुले हुए हैं अभी। और देख रहे हो कितना गंद मचाया इन्होंने, ये सारा गंद इन्होंने अभी मचाया है। कुछ भी कटेगा अम्मी ने वहाँ से उठाना, मटर के छिलके लगे हैं यहाँ पर, वहाँ से उठा के इनके पास डाल दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सब ये शौक से खाते ना, वो देखें कैसे खा रहे हैं, ये देखें। मैं यकीन करें आप, इनको जो है ना भूसी हो गई या कोई और चीज़ हो गई, वो चीज़ मैं इनको देता हूँ ना दाना बाहर का, ये बिल्कुल नहीं खाते उसको। ये घर की चीज़ बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो है ना सीन कुछ ऐसा है कि मैं और भाई जा रहे हैं कहीं, समझ रहे हो आप, जा रहे हैं हम लोग कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं हम। तो बस अभी हम वहाँ निकलने वाले हैं, और वो डर के तो अभी हम लोग बस ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, वहाँ पर निकलते हैं हम लोग, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं आज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो चले भाई। लोकेशन में पहुंच चुके हैं, तो भाई आ गए और अब हम निकल रहे हैं। हमने कुछ लिया, अब आपको पता कुछ भी नहीं है, खाली दिखा देता हूं, एक दफा दिखा देता हूं। मोबाइल लिया हुआ हम लोगों ने। अबे साले, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ, और ऊपर जाके सेटअप पे जाके मिलते हैं। हेलमेट। तो ये माशाल्लाह हम सेटअप पे पहुंच चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत बड़ा माशाल्लाह सेटअप है भाई का, माशाल्लाह काफ़ी वैरायटियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मतलब अलग है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे मुर्गे इधर हैं। तो अभी हम लोगों ने जो लेने हैं ना वो डिसाइड करेंगे, देखते हैं कौन से लेने हैं। भाई सामने नहीं आना चाहते, सही है। हाँ, जिन भाई के पास हम आए ना, उन्होंने थोड़ा सा बोला है कि यार मैं वीडियो में नहीं आऊँगा, कोई रीज़न है, तो इस वजह से भाई नहीं आ रहे, वरना भाई से भी आप लोगों को मिलवाएंगे। देखें हमारी वाली गुनिया फोल्स भी दे रहे हैं, सेम यही कलर है हमारे पास भी, ये भी वही है। ये मेरे ख्याल से ब्राह्मण नस्ल है, ब्राह्मण है ये। भाई से पूछते भी है ना कौन कौन सी नस्ल रखी हुई थी इस टाइम में, ये कौन सी है ब्रीड भाई? ये बाइक वाइट बफ है, ब्राह्मण नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये कितना बड़ा, तो कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर है इनका, देखें आप, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत कलर है माशाल्लाह इनका। ये देखें ये सारी मेरे ख्याल से बफ हैं, वो भी बफ हैं, ये भी बफ हैं, ये सारी बफ की कैटेगरी है। वो घंटिया में जो नीचे है सबसे लास्ट में, वो नीचे बफ कॉलेज पड़ा हुआ है, ये ब्राह्मा पड़ा हुआ है, ये ब्राह्मा पड़ा हुआ है, सुल्तान पड़ा हुआ है, पीछे से राइट सुल्तान का है, ये सुल्तान, ये रहा, और ये पड़े हुए सिल्की इसके अंदर है। यार ये हम बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सिल्की ले आओ, सिल्की तो फिलहाल ये पड़े हुए हैं, जो भाई हमारे आए थे सिल्की लेने, लेकिन भाई के पास पड़ा हुआ है एक ही पेयर, वो भी ब्रीडर, तो उन्होंने बोला यार अभी सिल्की तो दे नहीं सकता। तो ये है सिल्की, ये देखें आप। तो हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे थे ना, वो भाई कह रहे थे कि यार सिल्की लेकर आएँ, सिल्की लेकर आएँ, तो भाई थोड़ा सब्र करना पड़ेगा सिल्की के लिए, क्योंकि सिल्की के बच्चे जो है ना अभी इंक्यूबेटर के अंदर है, उनको कम से कम 15-20 दिन लगेंगे, तो इस वजह से सिल्की हमारे को जो है ना पॉसिबल नहीं है। भाई कह रहे हैं 15 दिन बाद आप आ सकते हो, तो सिल्की ले जाओ। तो माशाल्लाह ये वाला सिल्की है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिल्की इसके साथ लगी हुई है भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वाली, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमारे को। भाई सभी हमें जो है ना ये पसंद आया ब्राह्मण, भाई असल नाम क्या है इसका? ब्राह्मण, लाइट ब्राह्मण। इसमें और भी कलर होते हैं या यही कलर होता है? नीचे दूसरा कलर, नीचे सलमान और ब्लू वाइट। अच्छा, ये देखें, ये दोनों के दोनों ब्राह्मण के प्यारे हैं भाई माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इनकी Thank you.
माशाल्लाह पूरा जो है ना इंक्यूबेटर रूम है, इसके अंदर सारे इंक्यूबेटर पड़े हुए हैं और यहाँ पे अंडे पड़े हुए हैं। बच्चे जहाँ निकलेंगे वो इंक्यूबेटर हैं, बच्चे निकल के कहाँ रह रहे हैं वो भी है, मतलब इधर बच्चे जो है ना वो बनते हैं फिर निकलते हैं, अंडे से हैच होने के बाद जो है ना ये वाले जो हैं मतलब इंक्यूबेटर इसके अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर जो है ना टेम्परेचर का हिसाब किताब होता है। ये बहुत बड़ा गेम है भाई, जो है ना एक्सपर्ट हैं वही कर सकते हैं, बाकी ये कि हम लोगों को तो अभी स्टार्ट करा है तो बाकी अल्लाह मालिक है। तो इसके अंदर जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, चिक्स हैं अंदर नज़र आ रहे होंगे। तो अभी जो है ना भाई बात कर रहा है कि हमने कौन से लेने, तो वो मैं जो है ना आप लोगों को दिखाता हूँ। लेने ही आना था लेकिन बस क्या करें भाई के पास है नहीं, वो बोले 15 दिन बाद आ जाओ, हो सकता है हमारा मूड फिर बन जाए, हम दोबारा यहाँ पर और इनके चिक्स इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे यहाँ से। ये वापसी आ गए हम इंक्यूबेटर रूम में और इसके अंदर जो है ना ये बच्चे पड़े हैं, ये बफ के हैं, ये सारे बफ के चिक्स हैं भाई माशाल्लाह, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, एक एक दिन के लग रहे हैं ये। वो बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, हाँ वो तो काफ़ी छोटे हैं, वो ये थोड़े बड़े हैं, ये इनसे बड़े आ रहे हैं, ये भी ब्रामा ही है। ये कितने मंथ के भाई? बात चल रही है अभी तक, देखो क्या होता है। इसके अंदर कौन से ड्रामा? ये गोल्डन एक बच्चा एक्सपायर हो गया है और ये गोल्डन बेल्टम, चलो एक बच्चा एक्सपायर हो गया। ये बेल्टम है, गोल्डन बेल्टम, ये भाई बोल रही है फुल तैयार है भाई, इस तरह से शायद फुल तैयार है। नहीं यार मैं तो बच्चे समझ रहा था, एक कितना बड़ा था भाई, भाई बोल रहे हैं ये बिल्कुल रेडी हैं और ये रेडी भाई कैसे हैं ये इतने से, वही हमारी सिल्वर स्प्राइट की तरह इसका है भाई, एक तो बढ़िया के लग रहे हैं। अभी क्या सोचा फिर कौन सा लेना, कोई वैरायटी इतनी है समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बोला सब के एक एक ले लो। बहुत सारी वैरायटियां माशाल्लाह और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमने कौन सा लेना है। इंक्यूबेटर तो ये है ना बड़े वाले, ये इंक्यूबेटर है बड़े वाले, इसके अंदर एग होते हैं भाई। ये किसके बच्चे हैं आपको पता है? ये किसके हैं भाई? जो है ना भाई का दिल आया हुआ ड्रामा में, तो भाई कह रहा है यार ड्रामा देख लेते हैं, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा बजट से आउट हो जाएंगे हमारे। तो अभी जो है ना डिसाइड हो चुका है कि हमने क्या लेना है, तो भाई ने जो है ना वो डन कर लिया है कि हमने कौन से लेना है। तुम बताओ तो हमने लेना है ब्रामा, ब्रामा के जो है ना चिक्स हमने वो लेना है, और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कौन से लिए और किस कलर के लिए हम लोगों ने। वाइट वाला, वाइट वाला जो है ना मेरे को पसंद आ रहा है। अरे आओ नहीं भाई साहब, कोई काट रहा भाई, काट रहा तो भाई जो कह रहे हैं ना आप इनके बड़े वाले साइज है ना वो देख लो कि कौन से आपको चाहिए, मतलब इसका भी एक बच्चा और इसका भी एक बच्चा। तो मुझे जो है ना वाइट वाला जो है ना आप लोगों ने देखा वो इसका है, और जो थोड़ा निशान में है वो इसका है। तो अब सोच रहे हैं कि हम इसका लें या इसका लें एक एक, तो मैं तो बोल रहा हूँ एक इसका ले लेते हैं एक इसका ले लेते हैं, मेल फीमेल ऐसे मिक्स हो जाएगी, ये दोनों की दोनों बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा हमारे जो है ना वो इतना नहीं डरते, हमारे वाले इतना नहीं डरते, ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। नाखून तो देखो, इनकी ब्रीड है भाई, बोले भाई ने बताया बोले रिंग डाला बेल्जियम का, बोले वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन इसका नाखून आप देख रहे हो माशाल्लाह बहुत बड़ा है भाई। यार ये है पॉलिश। अच्छा ये वाला, फिर ये वाला कलर ले लो फीमेल उसकी देख लो, बल्कि फिर अगर ये वाला लेंगे तो मेल फीमेल एक जैसा हो जाएगा, हम देख लेते हैं मेल इसका देख लेते हैं या फीमेल इसकी देख लेते हैं, जैसे समझ में आ रहा कर लेते हैं। डिसाइड हो गया है और हम बॉक्स लेकर आए थे साथ में, तो ये रहे हमारे चिक्स बाहर आए हैं भाई। हैं मुझे तो वाइट वाला बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन यार बस समझ नहीं आ रहा अभी, ये भी मेल है ये भी मेल है ये फीमेल है वो भी फीमेल है, तो फीमेल जो है ना ये वाली डन कर ली हमने, ये वाली डन हो गई फीमेल, सही है। और मेल ये वाला है और ये वाला है, मुझे वाइट वाला अच्छा लग रहा सही बोलूँ तो, बाकी ये तो मर्जी है। ये गई फीमेल अंदर और वो रहा मेल, ये दोनों डन कर लिया हमने। ब्रामा का पेयर जो है ना हमने ले लिया है, इसके अंदर है, तो अभी घर जाएंगे और घर जाके फटाफट इनको अपने सेटअप पे छोड़ेंगे, चलते हैं जल्दी से। बाकी अलविदा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, आपको भी अल्लाह हाफिज, सबको अल्लाह हाफिज।
भाई एक बार बार कमेंट आया सिल्की लेकर आओ भाई। हम आए थे सिल्की लेने, हमने आपको ना तरजीह दी, हमने आपके कमेंट्स किए ना, हम आए सिल्की लेने, लेकिन यार सिल्की जो है इस टाइम इनके पास अवेलेबल नहीं है। ये बोले 15 दिन लगेंगे कम से कम एक से निकलने बच्चे, और हम लोग महीने बाद आके ले जाएंगे। हमने इनको बोला कि हमारे लिए एक चिक्स रखिएगा, अब इनके पास हमारा नंबर है तो ये हमारे को कॉन्टेक्ट कर देंगे और हम भी मालूम कर लेंगे। तो महीने बाद जो है ना फिर हम आके सिल्की भी ले जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो फाइनली हम घर पर पहुँच चुके हैं और लोशन वगैरह और फीड जो है वो भी मैंने ले लिए ताकि ऊपर जाके हम डालें क्योंकि हमारे बर्ड्स भूखे थे। चलो मैं इधर ही आ रहा हूँ भाई, घर वालों को चिक्स दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। हाँ ये देख रहा कैसे भूख है। हाँ देख रहा कैसे आ गई। हाँ वही ना अरे यार भी तोड़ दिया। फीड खाओगी फीड हैं? चल छोड़ दे यार परेशान क्या। हाँ ये देखो ऊपर चला गई। तो भाई फाइनली इनकी हो गई एंट्री हमारे सेटअप पे। छोटा डोन खुला हुआ है, रहने दो अभी नहीं खोलो, छोटे डोन को पहले बंद करना पड़ेगा। अभी बहुत खतरनाक खड्डा हो गया था छोटे डोन का और उसका मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, बहुत खतरनाक खड्डा हुआ था तो अभी हम जो है ना इनको बंद कर रहे हैं। चलो 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 हाँ चलो हाँ गया मुर्गी भी गई। तो ये हो गया बंद। अब ये है ना ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लग गए हैं, गुनिया फॉल बेचारे को बहुत मारते हैं यार। ट्यूशन की गड्डी इन्होंने नीचे गिरा दी, आखिर यहीं से जो है ना उतार के सारी गिरा दी। तो अभी भाई जो है ना चूज़ों को अंदर लेके जा रहा है क्योंकि इनको अंदर रखने हैं, बाहर हाथ चल रही है हवा बहुत ज़्यादा तेज़। और भाई ने बोला था कि इनको जो है ना आपने कम से कम एक महीने तक अंदर रखना है, बाहर जो है ना मौसम चेंज है तो इससे ये बीमार पड़ सकते हैं। तो अभी इनको हम एक महीने तक अंदर रखने वाले हैं और वीडियो जो है हम एंड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार। हमारी वीडियोस वो वॉच कर रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, यार ये गलत बात है यार। हर वीडियो में हम आपको बोलते हैं यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को जो है ऑल कर प्रेस करें ताकि हमारी जब नई आने वाली वीडियो है वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। डेली वीडियोस आती हैं हमारी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई अलग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।